हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके एमसीक्यू। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप सभी के लिए प्लेटफॉर्म की जनरल नॉलेज सीरीज की जो आज जो है क्लास 21 है और टोटल क्वेश्चन जो है मैं 50 आज भी कराने वाला हूं आप सभी के सामने। आप लोग के प्लेटफॉर्म जनरल साइंस सीरीज की जितनी भी पहले की क्लास हुई है मैं उसका सारा लिंक आप लोग को मैंने एक प्लेलिस्ट सबका बना दिया है, उसका लिंक आप लोग को आई बटन पर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप लोग दोनों जगह से चेकआउट कर सकते हैं। मैं आप लोग को रुक्मणी प्रकाशन की इस बुक से मैं आप लोग को 3500 क्वेश्चन कराने वाला हूँ और 1000 क्वेश्चन आप लोग को कम्प्लीट हो गए हैं और आज 1001 से लेकर 1050 तक के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराऊंगा। मैं आप लोगों को इस बुक की खासियत बता देता हूं। आप लोगों को यदि यह बुक परचेज करना है तो उसका भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग यह बुक परचेज कर सकते हैं। इस बुक में आप लोगों को RBNTPC 1 CBT 1 एग्जाम 2016 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, RBLP टेक्नीशियन 1 CBT एग्जाम 2018 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, RB ग्रुप डी एग्जाम 2018 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और मैं आप लोगों को एक खास अपडेट बता देता हूं कि प्लेटफॉर्म जनरल साइंस सीरीज करनी है तो उसका भी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहां से चेकआउट करके कर सकते हैं। आप लोग को प्लेटफॉर्म जनरल नॉलेज और जनरल साइंस की सीरीज आप लोग को बहुत हेल्पफुल होने वाली है। दोनों सीरीज जो भी NTPC और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास करके बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है और आप लोग का यह क्वेश्चन काफी हेल्पफुल होगा, इसलिए आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बकवास नहीं करते हुए सीधा क्वेश्चन पढ़ाता हूं मैं। लोहे की जंग डैश होती है भौतिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया, प्रतिवर्ती या मिश्रण? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा लोहे की जो जंग होती है वो रासायनिक प्रक्रिया होती है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो लोहे की जंग जो है रासायनिक प्रक्रिया है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों और अपने अपने फेसबुक एंड व्हाट्सएप ग्रुप में और जहाँ भी जिस ग्रुप में शेयर करने का मौका मिलता है शेयर कर दीजिए। आपका एक लाइक और एक शेयर मेरा बहुत सारा हौसला बढ़ाता है और मुझे बहुत सारा मोटिवेट करता है इस तरह की खास अपडेट आप सभी के सामने प्रस्तुत करने के लिए। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए हम लोग आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पर, यानी 1002 नंबर के क्वेश्चन पर। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान, जय हिंद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते मुंडोपनिषद से लिया गया है। मुंडोपनिषद कुल हम लोगों के पास 108 उपनिषद हैं और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। रचना जो है 1882 ईस्वी में की गई थी। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। जय जवान जय किसान में जय हिंद शब्द अटल बिहारी वाजपेयी ने जोड़ा। प्रांतीय चुनाव यानी प्रोविंशियल इलेक्शन डैश साल में ब्रिटिश में आयोजित किए गए थे 1925-26, 1930-31, 1936-37, 1939-40। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1936-37, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रांतीय चुनाव ब्रिटिश सरकार 1936-37 में आयोजित किए गए थे। भारत शासन एक्ट 1935 के अधीन 1937 में चुनाव हुआ। 11 प्रांत में चुनाव हुआ। 7 में कांग्रेस ने सरकार बनाई। मुस्लिम लीग की स्थिति खराब रही। प्रांतों का स्वायत्तता प्रदान किया गया 1935 एक्ट द्वारा। राज्य में द्वैध शासन हटा लिया गया 1935 के एक्ट के अधीन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मोबाइल फोन में टच स्क्रीन पैनल के प्रकार में डैश शामिल नहीं है। प्रतिरोधक, कैपेसिटिव, ध्वनि संप्रेषण, प्रकाश संप्रेषण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को ध्वनि संप्रेषण, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो मोबाइल फोन में टच स्क्रीन पैनल के प्रकार में ध्वनि संप्रेषण, साउंड ट्रांसमिटेंस शामिल नहीं है। मोबाइल फोन समाज के लिए जितना और कम खर्च में पहुंच बनाया है उतना कोई विज्ञान के नवीनतम प्रौद्योगिकी नहीं है। ध्वनि संप्रेषण द्वारा दो व्यक्तियों के बीच संवाद का आदान प्रदान होता है। डैश एक जीवाणु संबंधी रोग है। पहला है मायोकॉर्डिकल अतिक्रमण यानी मायोकॉर्डिकल इन्फेक्शन, और दूसरा है उपदंश यानी सेफेल्स, तीसरा है पोलियो और चौथा है दाद यानी सिंगल्स। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ कि उपदंश जो कि सिफिल्स होता है, बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपदंश जो है एक जीवाणु, सिफिल्स जो होता है एक जीवाणु संबंधी रोग है, तो बैक्टीरियल डिजीज है। तो उपदंश जो है एक जीवाणु संबंधी रोग है और सिफिलिस जो है शीशन अंग को प्रभावित करता है। यह रोग जो है ट्रिप्नोसोमा पैलिडम जीवाणु के कारण होता है। दाद टीनिया कैपेटिस नामक कवक से होता है और पोलियो पोलीमाइलाइट्स वायरस से होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अंतरिक्ष यात्री का नाम बताएं जिसने लगातार 340 दिन अंतरिक्ष में बिताए और पृथ्वी पर सुरक्षित लौटा था। जोसेफ ए वकार, स्कॉट जोसेफ
कैली, विलियम एच दाना, विलियम जे नाइट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा स्कॉट जोसेफ कैली, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप यदि किसी को अच्छी चीज़ें भेजते हैं तो आपके द्वारा उसके द्वारा भी आपको कुछ अच्छी चीज़ें प्राप्त होती है। और यह सीरीज आप बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप लोग शेयर जरूर करें ताकि आपको भी लाभ हो और दूसरों को भी लाभ हो। तो शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अंतरिक्ष यात्री स्कॉट जोसेफ कैली लगातार 340 दिन अंतरिक्ष में बिताए और सुरक्षित पृथ्वी पर आए। प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागारिन है और प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा हैं। भारतीय मूल के कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स नासा के द्वारा भेजे जाने वाले महिला अंतरिक्ष यात्री है। 1 फरवरी 2003 ईस्वी को कल्पना चावला की मृत्यु कोलंबिया अंतरिक्ष यान के दुर्घटना ग्रस्त होने के कारण हुई। इस यान में कुल 7 लोग सवार थे। अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में डैश के दौरान स्थापित किया था 1600 से 1612, 1641 से 1645, 1701 से 1710, 1721 से 1728। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1600 से लेकर 1612, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में 1600 से 1612 के दौरान स्थापित किया था। बौद्ध संरचना धोमे के स्तूप कहाँ पर है? सारनाथ, सांची, कोणार्क, महाबलीपुरम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सारनाथ, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बौद्ध संरचना धामे के स्तूप सांची में है। सांची का स्तूप भारत का सबसे ऊंचा स्तूप है। सांची का स्तूप अशोक ने बनाया। बौद्ध साहित्य के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूप बनाए। सारनाथ में प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध ने दिया। कोणार्क में सूर्य मंदिर है और महाबलीपुरम में रथ मंदिर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा एक परीक्षण के आधार पर पेश किया जाने वाला हाइब्रिड वैक्यूम टॉयलेट डैश में अपने निर्वहन का निपटारण करता है। बायो शौचालय सीधे बायोडाइजेस्टर टैंक, कोच के नीचे सेप्टिक टैंक, अंतिम निर्वहन के लिए फ्लश टैंक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को बायोडाइजेस्टर टैंक, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रेलवे द्वारा एक परीक्षण के आधार पर पेश किए जाने वाली हाइब्रिड वैक्यूम टॉयलेट डाइजेस्टर टैंक में अपने निर्वहन का निपटारण करता है। बायोडाइजेस्टर टैंक पर्यावरण दृष्टि से उपयुक्त है। भारतीय रेलवे सेमी बुलेट ट्रेन एवं बुलेट ट्रेन चलाने के लिए जापान आदि से मदद ले रहे हैं। सारावती पनबिजली परियोजना सारावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डैश में है। पुडुचेरी, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का कर्नाटक, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सारावती पनबिजली परियोजना सारावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कर्नाटक में है। सारावती नदी पर जोग जलप्रपात है। जोग जलप्रपात का नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। शिव समुद्रम जल बिजली भारत की प्रथम जल बिजली प्रोजेक्ट है। 1902 ईस्वी में स्थापित की थी। शिव समुद्रम जल बिजली प्रोजेक्ट कावेरी नदी पर है। हटीले यानी परसिस्टेंस कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज़्यादातर डैश द्वारा किया जाता है। जानवरों और पक्षियों, मनुष्य, हवा और पानी और पौधे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोगों को बताता हूँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हवा और पानी। हवा और पानी के द्वारा जो है हटीले कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज़्यादातर किया जाता है। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हटीले यानी पेंसिस्टेंट कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज़्यादातर हवा एवं पानी के द्वारा किया जाता है। कार्बनिक प्रदूषणों का बहाव एवं हवा एवं पानी द्वारा होती है। कार्बनिक प्रदूषणों में जीवाश्म की मात्रा अधिक होती है। जल एवं वायु प्रदूषण अवशिष्ट पदार्थों के कारण अधिक हो रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। डैश को 21 जून 2011 को दूसरे कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में फिर से निर्वाचित यानी री इलेक्टेड किया गया था। पहला है कोफी अन्नान, दूसरा है बान की मून, तीसरा है किश्तनी लगाड और चौथा है एस्ट्रोस खान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को
वो बान की मून, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बान की मून को 21 जून 2011 को दूसरे कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के रूप में फिर से निर्वाचित यानी री इलेक्टेड किया गया था। बान की मून दक्षिण कोरिया के निवासी हैं। मूलभूत अधिकारों में से ज़्यादा हमारे संविधान के डैश अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं, 1 से 10, 12 से 35, 36 से 51, 112 से 35। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 12 से 35, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मूलभूत अधिकारों में से ज़्यादातर हमारे संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के बीच हैं। किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के URL में सुरक्षा प्रमाण पत्र यानी पैडलॉक का रंग डैश होता है, पीला, हरा, नीला या लाल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हरा, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सुरक्षित वेबसाइट के URL में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग हरा होता है। PCB का पूरा नाम क्या है? प्राइमरी केयर बायोटेक्नोलॉजी पंजाब कॉमर्शियल बैंक प्रिंटेड सर्किट बैंक पब्लिशर कैरियर ब्यूरो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जो कि हम लोग के बी नंबर सी नंबर ऑप्शन में है। तो इस क्वेश्चन एक सेकेंड हाँ, जो कि हम लोग के प्रिंटेड सर्किट बोर्ड ही, PCB का फुल फॉर्म जो होगा यहाँ पे वो हो जाएगा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पूरा नाम है IGMDP इंटरग्रेटेड गाइड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, पूरा नाम है CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का पूरा नाम है GTO यानी जियो स्टेशनरी ट्रांसफ्यूरवेट STBP यानी हाइड्रोक्सिल टर्मिनेट पाली यूटाइडाइन पूरा नाम है। रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को डैश कहा जाता है, ट्रांसमीटर वेक्टर ट्रांसपोर्टर लिफ्ट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा वेक्टर, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को वेक्टर कहा जाता है। कुछ कीड़ा हमारे लिए लाभदायक होता है, कुछ हानिकारक होता है। वायु तकनीकों द्वारा रोगों का निदान किया जाता है, बायोडीजल का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नवविकसित घड़े गैस विषैले सेलुलोज एरोजोल के संबंध में सच है? सिलिका से बना, बेकार कागज से बना, गैर जैव निम्नीकरण, उच्च तापीय चालकता होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बेकार कागज से बना, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बेकार कागज से बना नव विकसित हरे गैस विषैले सेलुलोज एरोजोल के संबंध में सच है। यूकैरियोटिक जो होता है सेलुलोज की बनी होती है। प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण स्टार्च एवं सेलुलोज हैं। प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण ला है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा एक गर्मी के प्रभाव से संबंधित नहीं है? कंडक्टिव रेफ्रिकेटिव रेडिएटिव कनेक्टिविटी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, रेफ्रिकेटिव, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो रेफ्रिकेटिव गर्मी के प्रभाव से संबंधित नहीं है। प्रत्येक जीव में ऊष्मा होती है, जब हम कपड़ा पहनते हैं तो ऊष्मा की कुछ मात्रा हमारे कपड़ा अवशोषण करती है, इसी कारण हमें जाड़ा में शरीर के अंदर गर्मी महसूस होता है। 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तजुद्दीन अहमद, शेख मुजीबुर रहमान, महमूद असू, मंसूर अली, खालिदा जिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ, कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शेख मुजीबुर रहमान, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1971 ईस्वी में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान थे। पूर्वी पाकिस्तान को वर्तमान में बांग्लादेश कहते हैं। 3 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच युद्ध हुआ जो और आज़ाद हुआ, और 16 दिसंबर बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिवस है। इस देश के निर्माण में भारत के इंदिरा गांधी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। उस समय रक्षा मंत्री जगजीवन राम थे। DNA परीक्षण के संबंध में विषम का पता लगाएं, जातीयता, कुल परंपरा, पोलियो, वंशावली। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पोलियो, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। DNA परीक्षण के संबंध विषम जो है पोलियो है, पोलियो जो है एक रोग है, इसलिए वो विषम था। तो कंप्यूटर फाइल नाम
एक्सटेंस इन्फ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेस्क डेस्क को संदर्भित करती है, स्थापना फाइल, स्थापना विन्यास फाइल, इनाइल हेडर फाइल, प्रारंभ फाइल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्थापना फाइल, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर फाइल का नाम एक्सटेंशन स्थापना फाइल को संदर्भित करती है, जिसको हम लोग इंस्टॉलेशन फाइल को भी कहते हैं। स्थापना फाइल कंप्यूटर में भाषा को कोड के रूप में लिखा जाता है, जैसे एडिशन का ऐड, जंप का JMP, सब्ट्रैक्शन का सब ETC, इसी प्रकार से लिखा जाता है। डैश कचरे में कार्बनिक अपशिष्ट वेस्ट होता है, प्लास्टिक बैग, धातु, सब्जी के छिलके, ग्लास। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सब्जी के छिलके, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सब्जी के छिलके कचरे में कार्बनिक अपशिष्ट वेस्ट होता है। माउंट एवरेस्ट की चोटी समुद्र के स्तर में लगभग 10 फुट ऊपर होती है, 29,000, 27,000, 24,000, 26,000। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 29,000, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट की चोटी समुद्र के स्तर से लगभग 24,000 फुट ऊपर होती है। एक सेकेंड माउंट एवरेस्ट की चोटी समुद्र के स्तर से लगभग 24,000 फुट ऊपर होती है। ठीक, तो 29,000 मारा हुआ था, 24,000। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, 24,000। माउंट एवरेस्ट की जो चोटी समुद्र के स्तर से लगभग 24,000 फुट ही ऊंची होती है। फिर भी मुझे इसमें डाउट है, मैं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर पिन कर दूंगा। तो माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर है, जो सबसे ऊंची चोटी है। मानव रहित उपग्रह को पहला सफल कांक्षीय प्रशिक्षण डैश के द्वारा किया गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, सोवियत और जर्मनी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बता देता हूं कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोवियत, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मानव रहित उपग्रह का पहला सफल परीक्षण सफल कक्षीय परीक्षण प्रक्षेपण सोवियत संघ ने के द्वारा किया गया था। 4 अक्टूबर 1957 को रूस ने प्रथम सफल अंतरिक्ष यान स्पुतनिक फर्स्ट छोड़ा। स्कोर 1958 में अंतरिक्ष में स्थापित किया गया पहला संचार उपग्रह था इंटेलसेट, और व्यावसायिक उपयोग का पहला संचार उपग्रह है जो 1965 में छोड़ा गया। विनस 3 प्रथम उपग्रह है जो कि शुक्र ग्रह पर 1965 में उतारा गया। डैश को बैंकों के बोर्ड ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, HH सिनरो, वे AK एंडेवाल, अरुंधति भट्टाचार्य, विनोद राय। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा विनोद राय, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। इसको बोर्ड के ब्यूरो अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। विनोद राय को बैंकों के बोर्ड ब्यूरो के अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया गया था। विनोद राय पूर्व में कैग के पद पर भी रह चुके हैं थे, और कैग के पद पर रहते हुए उन्होंने 2G स्पेक्ट्रम घोटाला सहित दर्जनों घोटालों का पर्दाफाश किया। आजाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन डैश में किया था, 1940, 41, 42 और 43। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1942, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आजाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन 1942 में किया गया था। INA का प्रेरक एवं संगठनकर्ता रास बिहारी बोस थे। INA का गठन कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में किया गया। INA का सुपर कमांडर सुभाष चंद्र बोस बना। निम्न में से कौन सा DDT के संबंध में सच है? यह हल्के नीले रंग का होता है, इसकी एक तीखी गंध होती है, यह गैर विषैला है, यह एक संपर्क कीटनाशक है। तो इसमें जो आप लोग को सही है वो मैं बता देता हूँ कि आप लोग का जो डी नंबर ऑप्शन है वो सही है, यह एक संपर्क कीटनाशक होता है। तो डी नंबर जो होता है वो सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। DDT एक संपर्क कीटनाशक है। DDT पर प्राणी एवं वनस्पति के लिए अधिक घातक होने के कारण रोक लगा दी गई है। DDT 1990 के दशक तक मच्छर आदि के रोग का मुख्य साधक बना था।
तो पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत डैश पर आधारित है, हुक का नियम, न्यूटन का नियम, आइंस्टीन का सिद्धांत, फेराडे का नियम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा फेराडे का नियम, क्योंकि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पावर ट्रांसपोर्ट की कार्य प्रणाली का सिद्धांत फेराडे के नियम पर आधारित है। नेटवेयर एक कंप्यूटर और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे डैश द्वारा विकसित किया गया था, AT&T, सन माइक्रो सिस्टम, नोवेल या अटारी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा नोवेल, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेटवेयर एक कंप्यूटर पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे नोवेल द्वारा विकसित किया गया है। कंप्यूटर का हिंदी संगणक होता है। कंप्यूटर के पूर्व आवश्यक चीन में प्रथम स्रोत है। पास्कल के कैलकुलेटर इसी का विकसित रूप है और कंप्यूटर चरम है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के 7वें अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसने कार्यभार संभाला है? सीडीएक यूसुफ, HL दत्तू, GP माथुर, SS सिन्हा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को HL दत्तू, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के 7वें अध्यक्ष HL दत्तू ने कार्यभार संभाला है। व्याख्या जो है हम लोग अन्य प्रश्नों में भी इसका देख सकते हैं और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं व्याख्या भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये बात जो है 2015 और 16 की है। 2015 के अंत में डैश डेविस कप की ITF रैंकिंग के शीर्ष पर है चेक गणराज्य, ग्रेट ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड और बेल्जियम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ, ग्रेट ब्रिटेन, जो कि हम लोग का बी नंबर ऑप्शन में है। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 2015 के अंत में डेविस कप देशों की ITF रैंकिंग के शीर्ष पर ग्रेट ब्रिटेन है। डेविस का संबंध टेनिस से है। एंटीबायोटिक डैश कवक से प्राप्त किया जाता है, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्सोमाइसिन, पेंसिलिन, इरोथ्रोमाइसिन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पेंसिलिन, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एंटीबायोटिक पेंसिलिन कवक से प्राप्त किया जाता है। पेंसिलिन को रामायण माना जाता है रोगों का, और माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजोन के रूप में होता है। कवक की कोशिका काइटिन की बनी होती है। कौन सा खेल इस समूह का सदस्य नहीं है? हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, बास्केटबॉल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को कबड्डी। कौन सा खेल इस समूह का सदस्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, कबड्डी। हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल समूह का सदस्य कबड्डी समूह सदस्य नहीं है। कबड्डी खेल में व्यक्तिगत रूप से सदस्यों के बल, शक्ति और कौशल की आवश्यकता होती है। अन्य खेलों में तकनीक तथा उपकरण का प्रयोग होता है। डैश के बांग्लादेश में आयोजित 2016 एशिया कप T20 जीता था भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा भारत, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने बांग्लादेश में आयोजित 2016 एशिया कप T20 जीता था। T20 क्रिकेट वर्ल्ड का प्रथम भारत ने 2007 में पाकिस्तान को हराकर जीता था। कौन से चोल राजा यानी चोल किंग ने मालदीव के द्वारा द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? करिकला, दूसरा है राजाराज, तीसरा है महेंद्र, चौथा है विक्रमा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग को राजा राज, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। राजा राज चोल राजा ने मालदीवों के द्वारा द्वीप पर दरियाई विजय पाई थी। चोल वंश के संस्थापक विजयालय था 850 ईस्वी में, और चोल वंश के महानतम शाक राजा 1985 से 1014 के बीच थे, और राजा राज प्रथम ने उत्तरी श्रीलंका सहित अनेक क्षेत्र में जीत लिया। राजा राज प्रथम व्यापारिक मिशन चीन भेजे, अपने पूर्वजों की पूजा करना शुरू किए और भूमि सर्वेक्षण करवाए, विजय अभियान पर विजय मंदिर के दीवारों पर खुदवाए और द्वैध शासन की शुरुआत किए और बृहत देश्वर मंदिर का निर्माण किए। अंतिम शासक चोल वंश का राजेंद्र थर्ड
तृतीय को माना जाता है चोल वंश की राजधानी तंजौर थी। चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? पहला है एडवर्ड जेनर, दूसरा है रॉबर्ट कोच और पॉल कैंड्रिक और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इससे पहले आपने मेरा यदि ये क्वेश्चंस किया होगा, इससे पहले के वीडियो देखे होंगे, तो आप लोग को जो है इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, एडवर्ड जेनर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस हो चुका है। तो आप लोग यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप में, जहाँ भी शेयर करने का मौका मिलता है शेयर कर दीजिए। चेचक के लिए टीका एडवर्ड जेनर ने प्रदान किया था। चेचक वेरियोला वायरस से होता है। चेचक संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। रोबोट कोच ने कोलरा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज किया। डीएनए की द्विखंडी संरचना डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने प्रदान किया। तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? अंतरिक्ष कानून के लिए इंटरनेशनल संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष समन्वय, यूरोपीय अंतरिक्ष संघ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, जो कि हम लोग का बी नंबर ऑप्शन है। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड एक सेकेंड, तारामंडल के लिए, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। तारामंडल के नामांकन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ एजेंसी द्वारा किया जाता दिया जाता है। IAU की प्राग सम्मेलन 2006 के अनुसार सौरमंडल में मौजूद पिंडों के तीन श्रेणियों में बांटा गया है। परंपरागत ग्रह मंगल, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, बुध, शनि, अरुण एवं वरुण। बौने ग्रह सोरेस, चेरेओन, प्लूटो 2003, UB और 313। लघु सौरमंडलीय पिंड धूमकेतु उपग्रह एवं अन्य छोटे छोटे खगोलीय पिंड। हीराकुंड डैम किस नदी पर स्थापित है? कावेरी, गंडक, महानदी और बैतरणी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आप लोग को महानदी, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में। हीराकुंड डैम जो है महानदी पर स्थापित है, और हीराकुंड प्रोजेक्ट उड़ीसा में है। यह सबसे लंबी नदी घाटी प्रोजेक्ट है। डैश लुप्त प्राय भारतीय औषधियों पौधा प्रजाति है। पहला है नापे नाढ़देश, पोडो फिल्मस, अफीम, तुलसी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा तुलसी, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। तो लुप्त प्राय भारतीय औषधि पौधा प्रजाति है, तो डी नंबर ऑप्शन में जो है तुलसी। पोडोफाइलॉग लुप्त प्राय भारतीय औषधि पौधा प्रजाति है। सॉरी, इस क्वेश्चन का मैंने गलत आंसर दे दिया। ओह, पोडोफिल्मम जो होगा बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पोडोफिलियम लुप्त प्राय भारतीय औषधि प्रजाति है। पर्यावरण के कारण से जीव और पौधे लुप्त हो रहे हैं। हीरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है। तुलसी पौधा भारत का सबसे धार्मिक महत्व भी है। पेशवर सिमोफेनम अफीम देने वाला पौधा है, इसमें मोपिन होता है। एक घरेलू गैस सिलेंडर में LPG डैश में संग्रहित की जाती है। ठोस अवस्था, गैस अवस्था, तरल अवस्था, किसी भी अवस्था की जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा किसी भी अवस्था की जा सकती है, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। घरेलू गैस सिलेंडर LPG की किसी भी अवस्था में संग्रहित की जा सकती है। LPG में ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। LPG उच्च दाब पर द्रवित कर सिलेंडरों में भर लिया जाता है। LPG अत्यधिक ज्वलनशील होता है, अतः सल्फर के यौगिक इथाइल मर्करप्टान को मिला देते हैं ताकि रिसाव होने पर गंध से पहचान सके। निम्न में से विषम चुने। पारा, पारादियक्स, क्विक सिल्वर, हाइड्राजाडियम बोमोस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आप लोग को बोमोस, जो कि हम लोग का डी नंबर ऑप्शन है। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बोमोस विषम है। पारा सिनेबार एस के प्राप्त होता है। सिनेबार जो है SCS का SCS है का सूत्र है। पारा 39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, और ब्रोमिन का उपयोग रंग उद्योग, टीचर, गैस प्रतिकारक और औषधि बनाने में होता है। संविधान का कौन सा संसाधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है? 91 वाला संशोधन, 92 वाला संशोधन, 93 वाला या 94 वाला। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 93 वाला संशोधन, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। संविधान का 93वां संशोधन द्वारा सरकार के निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन और शैक्षणिक
रूप से कमजोर वर्गों के आरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 16(5) के अधीन निजी शिक्षा संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान संशोधन किया जाता है। उच्चतम न्यायालय में ने 50% से अधिक आरक्षण पर रोक लगा दिया है। तमिलनाडु में 69% और तथा आंध्र प्रदेश में 66.31% और 50% से अधिक आरक्षण है। न्यूजीलैंड में कौन से रंग सुनामी चेतावनी संकेतों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? सफ़ेद और नीला, लाल और हरा, सफ़ेद और हरा, पीला और हरा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सफ़ेद और नीला, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। न्यूजीलैंड में सफ़ेद और नीला रंग सुनामी चेतावनी संकेतों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सुनामी जापानी शब्द है जिसका अर्थ समुद्री तूफान रंग है, तूफान तरंग है। और 26 दिसंबर 2004 को अब तक का सबसे भयावह सुनामी आया था जिसमें लाखों व्यक्ति दक्षिण पूर्व एशिया में मारे गए। इस सुनामी से भारत के दक्षिण एवं पूर्वी तट पर प्रभावित हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस दल की स्थापना की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, भारतीय समाजवादी पार्टी, भारतीय सामाजिक सुधारवादी पार्टी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को बी नंबर ऑप्शन, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की थी। नेताजी ने 1920 में ICS में चौथा स्थान प्राप्त किया था। 1938 से 1939 में त्रिपुरा एवं त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बने। कांग्रेस कार्यकारी नीति समिति से गतिरोध के कारण त्याग पत्र देकर 9 मई 1947 को फॉरवर्ड ब्लॉक आग्रामी पार्टी की स्थापना किया और अक्टूबर 1943 में आज़ाद हिंद फौज का सुपर कमांडर बने। 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में फार्मोसा के पास घायल हो गए। इसके बाद नेताजी का कोई प्रमाणिक पता नहीं निकला है। संविधान का 99वां संशोधन किसके बारे में है? भारत में GST का शुरू करना, राष्ट्रीय न्यायिक न्यायमुक्ति का आयोग की स्थापना करना, हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र का विकास के लिए कदम उठाने के लिए कर्नाटक के राज्यपाल का सशक्त बनाना, बांग्लादेश और भारत के बीच की भूमि पर समझौता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन, राष्ट्रीय न्यायिक न्यायमुक्ति आयोग की स्थापना करना। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। संविधान 99वां संशोधन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करने से है। न्यायिक नियुक्ति आयोग द्वारा उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करना था, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इस न्यायिक नियुक्ति आयोग को अवैध घोषित कर दिया। इस प्रकार कॉलेजियम व्यवस्था जो उच्च एवं उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति करने की प्रक्रिया रही है पुनः बहाल कर दी गई। किसको भारतीय संगीत में उसे योगदान के लिए हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार 2015 के लिए चुना गया था? आशा भोसले, अनु मलिक, पप्पी लहरी, AR रहमान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा AR रहमान, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। AR रहमान को हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार 2015 के लिए चुना गया था। AR रहमान भारत के महान संगीतज्ञ हैं। AR रहमान को संगीत के क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार मिल चुका है। कितनी बिट्स एक बाइट के बराबर होती है? 4, 8, 12 या 32। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 8, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 8 बिट्स एक बाइट के बराबर होती है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। बाइनरी इकाई के आरंभिक एवं अंतिम अक्षरों से बने संक्षिप्त शब्द 0 या 1 को बिट कहा जाता है। 1 KB बराबर 1024 बाइट के तुल्य होता है। 1 MB बराबर 1024 KB के तुल्य होता है। 1 GB बराबर 1024 MB के बराबर होता है। तो ग्रहों के गर्भपथों का सामान आकार क्या होता है? गोलाकार, सर्कुलर, पैराबोलिक या आप लोगों को इलिप्टिकल, अंडाकार या फिर कॉनिकल, शंक्वाकार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को इलिप्टिकल, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। अंडाकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ग्रहों के ग्रह पथों का सामान आकार अंडाकार इलिप्टिकल है। IAU ने ग्रह के लिए निम्न शर्तें निर्धारित किया है। जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करता है, गुरुत्वाकर्षण बल हो, जो गोल स्वरूप ग्रहण कर सके, उनके आसपास कोई अन्य खगोलीय पुंज नहीं हो। इन शर्तों का नियम प्लूटो नहीं पूरा करता। यही कारण है कि 2006 में प्राग सम्मेलन में यह इसे ग्रह से बाहर कर बोने ग्रह के अंतर्गत रखा गया। एक ग्रीन गैस कोई भी ऐसी गैस या मिश्रण होता है जो डैश के लिए सक्षम होता है। समान रूप से दृश्य का अवरक्त तुलना में अधिक दृश्य विकिरण, दृश्य की तुलना में अधिक अवरक्त विकिरण, न दृश्य ना ही अवरक्त विकिरण।
एक ग्रीन गैस हाउस, एक ग्रीन गैस हाउस से कोई भी ऐसा गैसीय मिश्रण होता है जो जो क्या ग्रीन इफेक्ट के लिए, ग्रीन प्रभाव के लिए सक्षम होता है। तो इसमें क्या है, तो एक ग्रीन हाउस ऐसा कोई भी गैसीय मिश्रण होता है जो दिए गए विकल्प में से एक भी नहीं हो सकता है। तो इसका कोई भी आंसर नहीं था। ग्रीन हाउस गैस का मुख्य स्रोत जो होता है हम लोग को जान लेना चाहिए, CO2 गैस है। सूर्य के विकिरण के कारण पृथ्वी गर्म होता है, लेकिन पृथ्वी की ऊष्मा CO2 गैस के कारण वायुमंडलीय में पुनः पृथ्वी पर आती है और इस कारण पृथ्वी पर गर्मी बढ़ जाती है जिससे अनेक प्रकारों के संकट उत्पन्न हो रही है। डेज ऑफ ग्रेस किस टेनिस लीजेंड की जीवनी है? क्रिस एवर्ट, जॉन मैकनेडे, स्टेफी ग्राफ, आर्थर एस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन, आर्थर एस। आर्थर एस इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो डेज ऑफ ग्रेस जो है आर्थर एस टेनिस लीजेंड की जीवनी है। टेबल टेनिस का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना 1926 में हुआ। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। आप लोग को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यह वीडियो आप लोग के लिए जो है आप लोग को कैसा लग रहा है और कैसा यह वीडियो आप लोग के लिए सपोर्टिव या हेल्पफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।